दोस्तों, आज हम पार्क में फुटबॉल खेलने वाले लड़के का एनिमेशन करने वाले हैं। तो इस एनिमेशन के लिए मैं जो कैरेक्टर लेने वाला हूँ वो फ्री पिक से लेने वाला हूँ। यहाँ फ्री में हमें कैरेक्टर मिल जाते हैं। तो इस साइट पर जाके कैरेक्टर को डाउनलोड कैसे करना है और उसको फ्लैश के लिए यूज़ कैसे करना है, एनिमेट के लिए यूज़ कैसे करना है, इसके रिलेटेड मैंने मेरे चैनल पर पहले भी वीडियो डाले हैं। तो मैं डाउनलोड करके उसको AI करके बाद में इंपोर्ट करना, ये प्रोसेस इस वीडियो में बताने वाला नहीं हूँ। तो यहाँ देखो, मैंने डाला है किड्स इन पार्क। तो पहले मैंने जो डाला था रियलिस्टिक इमेज आई थी, फिर मैंने वेक्टर सर्च किया। तो आपको यहाँ पे वेक्टर सर्च करना है जो कि आपको इलस्ट्रेटर फाइल मिल जाएगी। तो यहाँ देखो, मैं अभी चूज़ कर रहा हूँ। तो ये चार लड़के, इसमें से एक लड़का मैं पार्क में डाल दूँगा। और ये पार्क जो अभी आप देख रहे हो, ये पार्क भी मैं यहाँ से डाउनलोड करके इसमें के बाकी सारे बच्चे निकाल दूंगा और जितने मुझे चाहिए उतने ही मैं रख दूंगा। तो यहाँ से देखो, ये डाउनलोड करना है और ये मैंने इन सबको फ्लैश में एनिमेट में ले लिया है। अभी सबका मैं यहाँ पे ग्राफिक कर रहा हूँ। तो ग्राफिक करने के लिए जो की होती है वो होती है F8 की। F8 की से आप सिंबल, ग्राफिक और बटन, ये सारे सिंबल्स आप बना सकते हो। तो देखो, यहाँ पर मैं जो बॉल है उसका जब सिंबल बना रहा हूँ तो उसके अंदर का जो पिवोट है वो बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। बॉल के अंदर का मैंने सेंटर में रखा है और ये जो बाकी एलिमेंट्स है इनका पिवोट मैं देखो कहाँ रख रहा हूँ। इनका पिवोट मैं रखूँगा, जैसे हाथ है पूरा तो उसका शोल्डर के पास रखूँगा और बॉडी है तो उसका कमर के पास रखूँगा। तो ये सारी चीज़ें हमें सिंबल करते वक्त पूरा इसको ध्यान में रखना है, क्योंकि पिवोट ये चीज़ बहुत इम्पॉर्टेंट है एनिमेशन में। तो आपको इसको बराबर सिलेक्ट करना है। हेड का भी अभी देखो, हेड को भी मैं सिंबल कर रहा हूँ। इसको सिंबल करते वक्त आप राइट क्लिक करके भी कर सकते हो, F8 प्रेस करके भी कर सकते हो। तो हमारी जो हेड होता है उसका पिवोट जैसे नेक के पास होता है, तो ये भी हमें वहाँ देखना होता है। और रहा शूज का सवाल, तो शूज के अंदर का जो लेग दिख रहा है तो उसको देखो मैं कैसे मॉडिफाई कर रहा हूँ। तो यहाँ पर जो अननेसेसरी नोड्स होते हैं वो अननेसेसरी नोड्स निकालने के लिए आपको P+- की प्रेस करना है। इससे आप अननेसेसरी पिवोट निकाल सकते हो। और जो शूज़ है वो शूज़ को हमें एनिमेट करना है सिर्फ, लेकिन वो पूरा के पूरा सिंबल वैसे ही रहेगा। इसके लिए शूज़ को मैं सिंबल करूँगा और ये जो लेग है इसको मैं ब्रेक अपार्ट करके रखूँगा। तो ब्रेक अपार्ट इसके लिए करके रखा है ताकि उसको हम मोशन दे सके, आगे पीछे लेग को हम कर सके। दोनों लेग को मैंने ब्रेक अपार्ट रखा है, सिंबल नहीं किया है। और यहाँ देखो, ये सबसे इम्पॉर्टेंट है, जब हम ऐसे ट्रैप टूल यूज करेंगे तो प्रॉपर्टी में जाके देखना है कि ये बोन एक्टिवेट है कि नहीं। बोन एक्टिवेट नहीं है तो बोन नहीं होगा। और लेग में मैं बोन जो बना रहा हूँ वो नीचे से स्टार्ट कर रहा हूँ, क्योंकि नीचे का पॉइंट वही रहेगा, सिर्फ लेग ऊपर से नीचे ऊपर नीचे होगा। तो ये भी आप देखो, हर चीज़ मतलब हमें बहुत कॉन्सेंट्रेशन से करना है। और एक ही जो कैरेक्टर है, एक ही पोज को हम एनिमेट करके फुटबॉल खेलने वाले बच्चे का एनिमेशन कर रहे हैं। देखो, हाथ में भी मैं बोन डालूंगा तो यहाँ पर ये हाथ भी हमें ब्रेक अपार्ट लगेगा। तो देखो, बोन मैं कहाँ से डालना चालू कर रहा हूँ, जैसे शोल्डर के पास से लिया है, एल्बो तक एल्बो से लिया, रिस्ट तक रिस्ट से लिया है मैंने, पाम तक। तो ऐसे चार बोन मैंने यहाँ ऐड किए हैं। काफ़ी सिंपल ट्रिक है, इसको आप यूज़ करके बहुत अच्छा एनिमेशन आप कर सकते हो। एनिमेशन में आप जितना काम करोगे उतना कम है, लेकिन आपका रिक्वायरमेंट कितना है उसके हिसाब से आपको एनिमेशन करना है। ऐसा नहीं कि आप रिक्वायरमेंट है उससे भी ज़्यादा कर रहे हो, कोई ज़रूरत नहीं होती है। जितना रिक्वायर है, अपना काम हो रहा है बस उतना कर लो। आप देख रहे हो यूट्यूब पर कितने सारे आपको मिलेंगे चैनल, जितनी रिक्वायरमेंट है उतना काम करके। यूट्यूब चैनल भी बहुत अच्छे से चल रहे हैं, तो उस हिसाब से मैं यहाँ आपको एनिमेशन बता रहा हूँ। तो ये एनिमेशन एकदम सिंपल है और सिंपल प्रोजेक्ट के लिए ही ये एनिमेशन आप कर सकते हो। जल्दी से जल्दी होने वाला एनिमेशन है, यूज़ करके आप
बहुत अच्छा अपना चैनल बोलो या आपके पास कोई प्रोजेक्ट होगा उसके लिए अगर चाहिए तो वहाँ ये ट्रिक यूज़ करके बहुत अच्छा एनिमेशन आप दे सकते हो। तो देखो यहाँ पर ये लेग को मूव करने के लिए जो बोन्स डाले हैं उसके मदद से हम कितने आसानी से हमारे जो भी पार्ट्स है, हैंड्स हो गए, लेग्स हो गए, शूज हो गया, ये इनको हम कितने आसानी से एनिमेट कर सकते हैं। अगर ये बोन नहीं डालते तो आपको पता है जो भी एनिमेट यूज करते हैं या फ्लैश यूज करते हैं तो हमें कितना सारा कुछ करना पड़ता है। जैसे हैंड हो गया तो हैंड के 3 पार्ट करके उसको हमें अलग अलग मोशन देना होता है, अलग अलग रिग करना होता है, लेकिन यहाँ एक ही पार्ट को हम बोन डाल के एनिमेट कर सकते हैं। तो देखो लेग को भी मैं ऊपर नीचे कर रहा हूँ, ये अगर करना रहा तो हमें भी यहाँ 3 3 पार्ट करना होता है। जिन्होंने पहले किया था तो मतलब एनिमेशन उनको पता है, लेकिन ये बोन आने के कारण एनिमेटर का काम थोड़ा आसान हो चुका है। इससे काफ़ी सारा समय से होता है, नहीं तो लेयर भी ज़्यादा बनती है। अभी हम बहुत कम लेयर में भी काम कर सकते हैं। और हेड का जो है, अगर एनिमेशन करना है हेड के पार्ट्स के अंदर तो हमें ग्राफिक के अंदर जाके एनिमेशन करना होता है, लेकिन वहाँ मैं अभी नहीं जा रहा हूँ क्योंकि उसकी रिक्वायरमेंट है नहीं। मैंने पहले ही कहा है कि जितना हम काम करेंगे उतना एनिमेशन अच्छा दिखेगा, लेकिन डिपेंड है रिक्वायरमेंट के ऊपर। यहाँ रिक्वायरमेंट है फुटबॉल खेलने वाला बच्चा, तो वही मैं यहाँ कर रहा हूँ। नहीं तो हम इसको इतना भी बता सकते कि जो बच्चा है बॉल आते जा रहा है उसके तरफ देख रहा है, आई डायरेक्शन होगा, मुंह खुलेगा, बाल हिलेंगे, बहुत कुछ कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों यहाँ उसकी रिक्वायरमेंट है नहीं, हमें रिक्वायरमेंट बहुत कम है। तो देखो यहाँ जैसे बॉल ऊपर जाएगी तो स्लो इन होगी और ऊपर से नीचे आएगी तो स्लो आउट होगी। तो ये प्रिंसिपल यहाँ पे यूज है स्लो इन और स्लो आउट का, ठीक है। तो यहाँ के लिए मैं जैसे ही टाइमिंग दे रहा हूँ तो आप टाइमिंग देखो, मैंने प्रॉपर्टीज में जाके टाइमिंग ऐड किया है। और ये बॉल है यहाँ पे, इसको थोड़ा रोटेशन देना है, एग्जैक्ट वैसे नहीं रखना है, ऊपर गया पैच और नीचे आया, तो उसको बॉल जैसे ही ऊपर जाएगी उसको थोड़ा सा रोटेशन ऐड करना है, इससे थोड़ा सा लाइवनेस उसमें आ जाता है तो दिखने में काफ़ी अच्छा एनिमेशन दिखता है। देखो मैंने थोड़ा सा इसको यहाँ पे ये कर दिया है रोटेट, लेकिन आप देखोगे तो बॉल ऊपर जाके चिपक रहा है, मतलब सट करके ऊपर जा रहा है और चिपक रहा है, ऐसे नहीं। लेकिन वहाँ वो स्लो इन होना चाहिए, तो स्लो इन होने के लिए हमें यहाँ पे इसका टाइमिंग एडजस्ट करना है और अनियन स्किन लगा कर आपको देखना है हर एक पोज कहाँ पर है। और यहाँ पर ये एनिमेशन थोड़ा मतलब ठीक लग रहा है, लेकिन मेरे पीसी में क्या होता है कि जब मैं यहाँ एनिमेट में काम करता हूँ तो थोड़ा स्लो दिखता है, लेकिन जब आउटपुट लेता हूँ तो फास्ट होता है। तो इसके लिए बाद में इसकी कीज मुझे बढ़ाना पड़ेगा। तो देखो यहाँ पर ये अनियन स्किन ऑन करके मैं हर एक इसकी पोजीशन देख रहा हूँ, ठीक है। उसके हिसाब से मैं यहाँ पे ग्राफ में जाके उसका टाइमिंग एडजस्ट कर रहा हूँ। तो जैसे ग्राफ एडिटर में जाके अगर टाइमिंग एडजस्ट करना है तो आपको जाना होगा प्रॉपर्टी में, प्रॉपर्टी का शॉर्टकट होता है Ctrl+F3, ठीक है। तो देखो यहाँ पर ये लूप में एनिमेशन प्ले होगा, तो हमेशा आपको अगर समझो सिंपल एनिमेशन रखना है तो ट्राई करो कि उसकी साइकिल हो जाए, मतलब लूप एनिमेशन होगा तो क्या होगा, वो कैरेक्टर वहाँ प्ले होते रहेंगे। अगर आपको कोई सीन प्लान करना है जैसे रैंडम यूज करना है तो आप ऐसे लूप में भी रख सकते हो एनिमेशन। तो देखो यहाँ ये कैरेक्टर बहुत फास्ट लग रहा है आउटपुट में। आउटपुट लेने के लिए उसका शॉर्टकट होता है Ctrl+Enter करोगे तो आपको SWF आप उसकी देख पाओगे। और यहाँ मैं फिर स्लो करने के लिए जो एनिमेशन कीज है मेरी उसके बीच में मैं F5 की मदद से कीज ऐड कर रहा हूँ, तो जैसे उसका टाइमिंग बढ़ रहा है तो एनिमेशन अभी सही दिखने लगा है, देखो जैसा मुझे चाहिए था। अगर आपकी इसमें कैरेक्टर ग्राफिक्स हेवी है तो आप उसको SWF प्ले होने के बाद में राइट क्लिक करके उसकी क्वालिटी मीडियम या लो करो तो वो रियल टाइम में प्ले होगा। तो देखो यहाँ पर यह अभी मुझे सही लग रहा है, लेकिन थोड़ा सा
इसका जो स्पेसिंग है वो स्पेसिंग हमें एडजस्ट करना पड़ेगा। जैसे अनियन स्किन ऐड करके मैंने स्पेसिंग एडजस्ट किया था, वैसे भी हमें यहाँ पे स्पेसिंग के साथ थोड़ा सा काम करना पड़ेगा। तो देखो यहाँ पे आप इसको कंटिन्यू एंड तक देखते रहो, ये आपके लिए हो सकता है हेल्पफुल हो। स्किप कर देंगे तो कुछ हो सकता है कि आपसे स्किप हो जाए तो वापस पीछे आना पड़ेगा, फिर उसमें बहुत टाइम जाता है। उससे अच्छा एक बार में आप देख लो, ज़्यादा नहीं तो कुछ 12-15 मिनट के अंदर का ही ये एनिमेशन है, क्योंकि जो नेसेसरी है उतना ही मैंने इसमें रखा है, बाकी सब फास्ट कर दिया है, क्योंकि आपका समय आपके लिए बहुत कीमती है। तो देखो यहाँ पर अभी जैसे ये लेग्स है तो यहाँ पर इसको हमें एडजस्ट करना होगा, ये कनेक्ट दिखाना पड़ेगा। जैसे मेरा जो मैंने पहले लेग रखा था तो वो बहुत ऊपर हो गया था, इतने ऊपर रखने की हमें ज़रूरत नहीं थी। तो यहाँ इसको देखो मैं अभी बोन टूल से एडजस्ट कर रहा हूँ। और शूज़ है, शूज़ तो कुछ उसको बेंड नहीं किया ना कुछ, तो इसके लिए उसका सिंबल वैसे ही मूव करना है, उसको कुछ हमें करना नहीं है, सिर्फ लेग्स को हमें मूव करना था, तो हमने उसको बोन डाल के एडजस्ट कर लिया है। और यहाँ बॉल हिट हो रहा है तो बॉल हिट होने के लिए मैंने यहाँ एक एफएक्स भी ऐड किया है, और वो एफएक्स को मैं यहाँ रख रहा हूँ बॉल के पास में और लेग्स के पास में। तो देखो ये यहाँ पे टूटता हुआ दिख रहा है, क्योंकि देखो ये सब अकीज का और पिवोट का मतलब खेल होता है। तो यहाँ आप देखोगे मैंने पिवोट बाद में हिलाया तो क्या प्रॉब्लम होता है, इसके लिए मैंने शुरू में ही कहा था कि पिवोट बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है, उसको पहले से ही आपको बराबर रखना है। अभी देखो एक की में अगर हमने पिवोट हिला दिया तो वो सब में आपको हिलाना पड़ेगा, क्योंकि बाद में पिवोट वहाँ जाएगा नहीं, इसके लिए पहले से ही पिवोट को तय करना है कहाँ पिवोट रखना है। ठीक है, आप देखो ये कैसे हो रहा है। तो ये सब होता है पिवोट के कारण, और पिवोट रीसेट करने के लिए पिवोट के ऊपर डबल क्लिक करोगे तो जो मेन पिवोट की जगह थी वहाँ वो पिवोट चला जाएगा। ठीक है, तो आपको पहले से उसकी स्पेसिंग मतलब प्लेसिंग तय करना है, बाद में आप उसको हिला के उसी जगह ले जा सकते हो, लेकिन पहले से वो फिक्स होना चाहिए, नहीं तो हर की पे आपको डबल क्लिक करके वहाँ रखना पड़ेगा, फिर वो जगह पे नहीं आएगा तो एनिमेशन बिगड़ने के बहुत सारे चांसेस होते हैं। तो एफएक्स डालने के बाद में आप देखो तो हिट का जो फील है वहाँ हिट का फील आ रहा है, और हमारा एनिमेशन जैसा हमें चाहिए था वैसा ये लग रहा है। और बाकी जो अदर कैरेक्टर है इसमें कुछ एनिमेशन मैंने दिया नहीं है, आपको देना है तो आप दे सकते हो, जैसे बच्चे हंस रहे हैं, आई ब्लिंक कर रहे हैं, हाथ हिला रहे हैं। ठीक है, तो जितना काम करेंगे उतना कम है, और इसकी फाइल आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक पर मिल जाएगी। ये पूरी एनिमेशन की फाइल मैंने वहाँ रखी है, आप उसको यूज़ कर सकते हो। और मैं आप सभी व्यूवर्स का, मेरे सभी दोस्तों का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा, क्योंकि दोस्तों आप ही की मदद से मेरा चैनल 1000 सब्सक्राइबर के ऊपर गया है, तो इसके लिए मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, शुक्रिया अदा करता हूँ। ये फाइल आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी। तो देखो दोस्तों ऐसे बहुत सारे छोटे छोटे एनिमेशंस है जो इजी हो सकते हैं, तो ऐसे इजी एनिमेशंस के वीडियोस आपको मेरे चैनल पर मिलेंगे, उसकी फाइल भी मिलेगी। और इजी एनिमेशन कैसे हो, और मेरा हमेशा यही ट्राई होता है कि मैं एनिमेशन को कितना इजी कर पाऊँ, वो इजी करके ही मैं काम करता हूँ। तो आप जब भी एनिमेशन के लिए फाइल लो पहले प्लानिंग करो, प्लानिंग करने के बाद में जो अपना कैरेक्टर है उसको बिठाओ, फिर होता है स्टेजिंग और ये सब प्रोसेस होती है, लेकिन पहले आपका होता है प्लानिंग। प्लानिंग करने के लिए आपको ड्राइंग बहुत हेल्प करता है। तो दोस्तों ये मेरी एक सलाह रहेगी आपको अच्छा एनिमेटर बनने के लिए, काम जल्दी करने के लिए आप रोज ड्राइंग करो। ड्राइंग रिलेटेड भी बहुत सारे वीडियोस मेरे चैनल पर आपको मिलेंगे। तो दोस्तों ड्राइंग से आप प्लानिंग जल्दी से जल्दी आप चीज ड्रॉ करके प्लान कर सकते हो। तो दोस्तों देखो एक ही पोज लेके हमने कितना अच्छा एनिमेशन यहाँ किया है,
जितना रिक्वायरमेंट है उतना एनिमेशन करना है और अपना काम खत्म करना है। आपने ये वीडियो एंड तक देखा, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। मैं हूँ आपका दोस्त राहुल उन्होंने, और आप देख रहे हैं अरियंत ड्राइंग क्लासेस यूट्यूब चैनल। इस चैनल पर आपको कैलीग्राफी, ड्राइंग, एनिमेशन, डिजिटल पेंटिंग ऐसे आर्ट रिलेटेड काफ़ी सारे वीडियोस यहाँ देखने को मिलते हैं। तो जुड़े रहे अरियंत ड्राइंग क्लासेस यूट्यूब चैनल के साथ। थैंक यू।